इस फूल सी मासूम को खरोंच भी आई तो उल्टा लटका दूंगा, आखिर इसे मारने की सोच भी कैसे सकते हो। बेटे से कहीं अधिक बेटियां पिता का ख्याल रखती हैं। मंगलवार को जनसुनवाई में एसपी के सामने 5 महीने की बेटी को लेकर पहुंची महिला की आपत्ति सुनने के बाद उसके पति को बुलाकर सख्त लहजे में एसपी ने चेताया। दरअसल उसे बेटे की चाहत थी, बेटी हुई तो उसने उसे मारने की कोशिश की। इसके बाद से महिला बेटी को लेकर मायके में रहने को मजबूर है। बच्ची के पिता को एसपी ने सख्ती के साथ ही बेटियों का महत्व भी बताया। उन्होंने जीवन देने वाली नारी शक्ति की परिभाषा बताकर उसे बच्चियों के प्रति सम्मान रखने के लिए प्रेरित भी किया। नव निवेश कॉलोनी संजीवनी नगर निवासी प्रीति रजक 5 महीने की बेटी वैष्णवी को लेकर एसपी के पास पहुंची। बताया कि उसकी शादी 11 मई वर्ष 2018 को मनीष रजक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही वे कम दहेज को लेकर पति सहित सास ससुर नंद व देवर प्रताड़ित करने लगे। वे उस पर 50,000 रूपए और बाइक की मांग का दबाव डालते थे। 5 महीने पहले बेटी हुई तो परिवार वालों की प्रताड़ना और बढ़ गई। बेटी को जान से मारना चाहते हैं। पति ने उसे ससुराल छोड़ दिया है। वापस आई हूँ मैं, मेरी शादी 1 साल पहले हुई 11 मई को और मैं नाम नवेश कॉलोनी में रहती हूँ, वो मेरी ससुराल है। मेरे को जब से लड़की हुई है तो ये लोग बहुत परेशान करते हैं कि लड़का चाहिए मेरे को, लड़की क्यों हो गई है। और मेरी नंद के लड़का को बोलता है कि जे मेरा खून है, इसको बोलता जे नहीं है मेरा खून। क्या नाम है पति का? मनीष रजक। कहाँ रहते हैं? नाम नवेश कॉलोनी में। क्या करते हैं ये? मैनेजर हैं चावल रिछाई में कंपनी में। जी सर। शादी 11 मई को हुई हमारी। क्या बोल रहे हैं? मारपीट करते हैं और घर से बाहर नहीं जाने देते। अगर मेरे भाई लोग जाते हैं बड़ी मम्मी के लड़के तो उनको बोलते हैं तेरे खसम है जो तेरे को लेने आए हैं, मतलब छिनरपना लगाती है। बच्चे को भी और मेरी सास भी लगाती है ससुर के साथ और बच्चे को मारने की कोशिश की, इसलिए मैं इसको लेके भाग आई हूँ। हाँ वजह ये भी है और वजह थोड़ी घर की भी है। मेरे ऊपर इंजाम लगाती है, ससुर के ऊपर मेरी सास लगाती है और उसी में इसके पापा भी साथ देते हैं, मेरे को बहुत मारते हैं। प्रीति रजक। एसपी ने मौके पर ही उसके पति मनीष को बुलवाया, उसे फटकार लगाई और बेटी सहित पत्नी को अच्छे से रखने की हिदायत दी। जन सुनवाई में जो अधिकांश शिकायतें आई हैं वो घरेलू मुद्दों से जुड़ी रही हैं। इसके अलावा कुछ धोखाधड़ी के रिलेटेड मामले रहे हैं। एक महिला गोरखपुर थाने से आई है, उसका कहना है उसके पति ने उसे घर से इसलिए निकाल दिया है कि वो लड़का चाहता था और उसको बेटी हुई है। उसकी सास ननद ससुर सब उसको इसीलिए परेशान करते हैं। अभी हमने फ़ोन पे बात की है, जो अनावेदक पक्ष है मनीष सजग जो पति है वो भी हमारे ऑफिस में आ रहा है और दूसरा पक्ष बैठा हुआ है, तो आमने सामने हम बात कराएंगे और जो वास्तविकता है उसको पता करेंगे, जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। आज भी ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लड़की के प्रति ज्यादा लोग, लड़कियां ज्यादा चाहिए। देखिए अब उनका आरोप है, ये कितना सच्चाई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। जबलपुर से कबीर खान की रिपोर्ट।